हे गाइस, दिस इज प्रिंस रिपीट। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हाउ टू मिक्स एंड मास्टर अ रैप सॉन्ग। और ये जो गाना है हमारे पास है, गाने का नाम है आंसर मी, जो कि मेरे एक फ्रेंड है हसल म्यूजिक, इनका है। इन्होंने मिक्स मास्टर करा और इन्होंने गाया भी है ये गाना। सो जल्दी से हम चलते हैं इस गाने की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इंस्ट्रूमेंटल सुन लेते हैं बेसिकली, सबसे पहले कि क्या है हमारे पास हमारा म्यूजिक। ठीक है, ये हमारा इंस्ट्रूमेंटल है, अच्छा इंस्ट्रूमेंटल है, ओके है। और ये इनकी वोकल है, यहाँ पे मेन वोकल है। मेन वोकल सुन एक बार देख लेते, स्टार्टिंग कैसे करी है इन्होंने, स्टार्टिंग में क्या लगाया भाई आपने, बताओ। रिवर्स रिवर्ब लगाया इंस्ट्रूमेंटल का, एक पार्ट निकाल के, इंस्ट्रूमेंटल का एक पार्ट निकाल के मिल जाए हमें। हाँ बिल्कुल, तो इंट्रो जितना अच्छा होगा उतना ही गाना सुनने में अच्छा लगेगा। इंट्रो बेसिकली सबसे पहला फर्स्ट इंप्रेशन होता है गाने का, तो इंट्रो अच्छा। आप काफ़ी जगह लगा सकते हो, वोकल्स में भी काफ़ी जगह लगा सकते हो उसको। रिवर्स रिवर्ब जिसको नहीं पता कैसा होता है, कोई भी एक पार्ट लो, एडिशन में जाके रिवर्ब का ऑप्शन आता है, ब्लर करने का ऑप्शन आता है, उसको करके आप कर सकते हैं। मैं बता दूंगा या तो किसी वीडियो में। तो ये हमारा ये है, नीचे इनकी वोकल है, वोकल में वही इफेक्ट लगा, वोकल में भी, इस वाली वोकल में भी, यहाँ पे भी सेम इफेक्ट है। और ये इनका हमिंग पार्ट है, सुन लेते एक बार। बिल्कुल सही है। चलते हैं अब हम मेन वोकल की तरफ, उसको देखते हैं, पहले सुन लेते हैं गाने के साथ, फिर देखते हैं मिक्स मास्टर कैसे करा इन्होंने। पहले एक बार सुन लेते हैं गाना, फिर हम देखते हैं कैसे मिक्स मास्टर करा उसे। उन्नीस सौ पचानवे 10 दिसंबर पैदा हुआ फैमिली में सन की सा मेंबर, कम मिले जिंदगी में टाइम बोला मैंने भैया मरना नहीं बिना करे शाइन, तराशा हुआ डायमंड संगीत का चढ़ा नशा मेरी मत नहीं क्यों बेचैनी है आज तकलीफें हैं हजार खुद से पार्ट है मेरा फेवरेट पार्ट है पूरे गाने में, सबसे ज़्यादा फेवरेट पार्ट है मेरा। आप सबका भी हो जाएगा जब आप इस गाने को जाके सुनोगे। तो हम चलते हैं मेन वोकल की तरफ और उसको देखते हैं हमने मिक्स मास्टर कैसे करा। तो ये हुक है हमारा, हुक है या ईयर वन, तो पहले ड्राई सुन लेते हैं उसे। 1995 10 दिसंबर पैदा हुआ फैमिली में सन की सा मेंबर, कम मिले जिंदगी में टाइम बोला मैंने भैया मरना नहीं बिना करे शाइन तराश। तो इसमें देख लेते हैं अभी इफेक्ट क्या यूज हुए। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है फैब फिल्टर का Q2 जो कि हमारा एक EQ है। तो यहाँ पे हमने क्लीनिंग करी हुई है, बेसिकली हमने लो फ्रिक्वेंसीज कट करी हुई हैं। जो मिड है, मिड में जो मडीनेस आती है उसको कम करा हुआ है। मडीनेस कम करने के लिए हमें आपको सुनना पड़ेगा उस फ्रिक्वेंसी को, जो आपको मडी लग रही है उसको कट करो फिर यहाँ पे आगे। देन सुन लेते हैं। सुनाई दे रही है। मिले जिंदगी में टाइम बोला मैंने भैया संगीत का चढ़ा ये बंद बोलती या करूं, सुनाई देगी आपको क्लियर। अगर आपको ईयर ट्रेनिंग है आपकी, आप बहुत टाइम से काम कर रहे हैं या स्टार्टिंग भी करी है आपने, 1-1.5 साल हुआ है, तो आपको सुनाई देगा क्लियर। और जैसे ही हम हाई की तरफ बढ़ते जाएंगे वहां हमें विसल विसल साउंड सुनाई देने लगेगा, वोकल्स बहुत हार्शनेस आती है, वो सुनाई देगा आपको। अगर समय अंबर कम मिले तो जो हार्श फ्रीक्वेंसीज हैं वो उन्होंने कट करी हुई है। सिर्फ आप ना उसी चीज पे करना, ये नहीं कि हर वोकल पे लगा दिया हार्श फ्रीक्वेंसीज को, कईयों की बहुत सॉफ्ट भी होती है तो जरूरत नहीं पड़ती उसमें। बिल्कुल, वो वोकल पे डिपेंड करता है कि आपकी वोकल कैसी है और आपकी वोकल में कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा आता है, लाउड कौन सा आता है, बेसी वोकल है तो मिड फ्रिक्वेंसी, लो मिड फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा मर आता होगा वहाँ पे, या वो साउंड ज़्यादा आता होगा। एक और चीज़ इसमें बोलनी चाहूँगा मैं कि मिक्सिंग से पहले आपको ना सबसे पहले ये देखना है कि आपने रिकॉर्डिंग सेशन अच्छा करा है कि नहीं करा, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपको एक अच्छे एनवायरनमेंट में रिकॉर्ड करना होता है जहाँ पे एकोज वगैरह ना हो। अगर आपकी रिकॉर्डिंग अच्छी हुई है ना, हर अच्छे गेन के साथ, अच्छे माइक के साथ, तो आपकी मिक्सिंग वैसे ही अपने आप अच्छी हो जाएगी। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ भाई ने एक फ्रूटी लिमिटर लिया हुआ है जिसपे बेसिकली कंप्रेसर है, नॉर्मल 2:1 रेशियो का। 2:1 रेशियो मैं आपको बता देता हूँ,
2:1 रेशियो का मतलब है दो सिग्नल आ रहे हैं और एक सिग्नल जा रहा है। सिग्नल थ्रेशोल्ड से पहले है हमारे पास दो सिग्नल, थ्रेशोल्ड के थ्रू वो एक सिग्नल होके जा रहा है। आपने जैसे -22 dB लगाया हुआ है यहाँ पे, तो -11 dB कट हो रहा है हमारा, कंप्रेस हो रहा है, और -11 dB हमें सुनाई दे रहा है, तो वो बेसिकली हमारा कंप्रेशन होता है। यहाँ पे इन्होंने गेन पुट करा हुआ है, थोड़ा लो गेन पे रिकॉर्ड हुई होगी वोकल, तो गेन है, और सीलिंग लगा रखी है पीक कट करने के लिए। जो पीक्स हैं हमारे पास ज़्यादा ओवर पीकिंग हो रही है उसमें, तो वो थोड़ा कट करने के लिए सीलिंग लगाई हुई है। तो सुन लेते हैं एक बार इसके साथ भी। 99, 10 December पैदा हुआ फैमिली में सन की सा मेंबर कम मिले जिंदगी में तो सुनाई दे ही जाएगा। और यहाँ पे एक हमारे पास CLA-2A है, CLA-2 कंप्रेशर, ये हमारा वेव्स का है। तो इसमें ये थोड़ा कलर ऐड करने के लिए होता है, हमारे वोकल वगैरह में कलर ऐड करने के लिए होता है, एक वार्मनेस आ जाती है वोकल पे। इसको ज़्यादा भी यूज़ मत करो ताकि रुइन ना हो जाए हमारा पूरा साउंड, जस्ट कलर ऐड करने के लिए सटल इफेक्ट होनी चाहिए। बिल्कुल 1 dB 2 dB। 99, 10 December पैदा हुआ फैमिली में सन की सा मेंबर कम बड़ी बड़ी वोकल्स हो गई। बिल्कुल, आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं गेन ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, गेन थोड़ा ही बढ़ रहा है, पर वहाँ पे जो ओवरऑल फुलनेस आ रही है वोकल की वो अच्छी आ रही है, ज़्यादा आ रही है। और यहाँ पे हमारे पास है ने आरवॉक्स का, ये भी कंप्रेसर ही होता है, ये गेट टाइप कंप्रेसर होता है जो ओवरऑल वोकल को पुट करता है ऊपर, जो लो लेवल के साउंड होते हैं उनको भी पुट करता है ऊपर, जो हाई लेवल है उनको थोड़ा कम करता है और लो लेवल को ऊपर पुट करता है, ये इस टाइप का कंप्रेसर होता है हमारा। और यहाँ पे हमारे पास एक आरवर्ब है, एक रूम इफेक्ट के लिए डाला, सिर्फ रूम इफेक्ट, रूम इफेक्ट का रिवर्ब नहीं है, जिसमें आपको जैसे पूरा वेट सिग्नल आता है, इसमें टेल बहुत लंबी होती है, इसमें बहुत छोटी टेल है, ये होल रिवर्ब नहीं है, ये छोटा रूम टाइप का, जैसे भी आप किसी भी रूम में बैठोगे तो वहाँ पे आपको नेचुरल साउंड सुनने के लिए हल्का रिवर्ब आता है, जो कि ऐसा लगता है कि नेचुरल साउंड है। तो आप स्टूडियो में किसी भी स्टूडियो में आओगे तो वो एकदम डेड साउंड होता है, वो ड्राई, बिल्कुल ड्राई साउंड होता है, कोई आपकी वोकल रिफ्लेक्ट नहीं हो रही होती है। तो उसको नेचुरल साउंड करने के लिए यहाँ पे हमने हल्का सा रिवर्ब लगाया हुआ है, रूम रिवर्ब, तो ये हमारा रूम रिवर्ब है। एक बार सुन लेते हैं हम इसके साथ और इसके बिना। 99, 10 December पैदा हुआ फैमिली में सन की सा मेंबर कम मिले जिंदगी में टाइम बोला मैं, बहुत सडल रिवर्ब है इसमें। और यहाँ पे एक फुलनेस के लिए है रिवर्ब, ज्यादा रिवर्ब पूरा एनवायरमेंट बनाने के लिए। यहाँ पे हमने टेल 2.3 सेकंड्स की रखी हुई है और हाफ वेट करा हुआ है इसे, और हाई कट और लो कट, हाई कट और लो कट मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है वीडियोस में क्या होता है। हाई कट में जैसे 4000 हर्ट्ज तक हमारी हाई कट है, तो 4000 हर्ट्ज के ऊपर रिवर्ब नहीं जाएगा, 4000 हर्ट्ज से ऊपर नहीं जाएगा, जैसे लाइक 10K 20K वहाँ तक रिवर्ब नहीं जाएगा, हमारा 4000 हर्ट्ज तक ही रहेगा। लो कट का मतलब है 955 हर्ट्ज तक यहाँ पे हमारा रिवर्ब लगा हुआ है, तो 955 के नीचे रिवर्ब नहीं आएगा हमारा। तो ये बेसिकली होता है हमारा हाई कट और लो कट। और यहाँ पे एक हमने मल्टीबैंड कंप्रेसर, मल्टीबैंड कंप्रेसर का काम क्या होता है, जो भी हमें सेपरेट फ्रीक्वेंसीज पे कंप्रेसर लगाना होता है, जो हम नॉर्मल कंप्रेसर यूज़ करते हैं वो ओवरऑल हर फ्रीक्वेंसी पे लगता है, हर साउंड पे लगता है, हर रेंज पे लगता है। तो मल्टीबैंड कंप्रेसर का काम होता है स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल सही बात, एकदम सही बात बताई है भाई ने, एकदम सही बात बताई है भाई ने। और यहाँ पे इन्होंने हाई फ्रीक्वेंसीज को कट करा हुआ है और थोड़ा लो फ्रीक्वेंसीज में भी कट करा हुआ है। इस मल्टीपैंड कंप्रेसर को जरूरी नहीं आप यही वाला यूज़ करो, बहुत सारे इसके एफएल स्टूडियो के भी हैं और बाकी कंपनीज के भी हैं, अगर आपका जिस पे आपका हाथ अच्छा बैठता है, जिस पे आपके ईयर्स बैठते हैं, वो ही यूज़ करें। एफएल स्टूडियो का मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा आपको मल्टीपैंड कंप्रेसर, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है वो। मल्टीपैंड कंप्रेसर फैफ फिल्टर का ही अच्छा है, मैंने जो अभी तक यूज़ करा हुआ है। बाकी कंपनी आप किस पे सुटेबल है आपके लिए, बहुत लोगों के लिए होता है कि जो हमें लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है, तो वो आपका टेस्ट होता है, आपका हाथ कैसे बैठता है उस पर। पर्सनली मुझे फैब फिल्टर का प्रो MB इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये थोड़ा ग्राफिक्स इसके अच्छे लगते हैं मुझे, बिल्कुल ये दिखाता बहुत अच्छा नीचे इसलिए। और कभी ग्राफिक्स को देख के अपनी मिक्सिंग मत करो बिल्कुल भी, बिल्कुल अपने कान यूज़ करो, ग्राफिक्स जस्ट हम काम अच्छा कर पाए, विजुलाइज अच्छा कर देता है वो, हमारी आंखों को सुकून मिल जाता है, थोड़ा सा एंटरटेनिंग लगता है। बिल्कुल ग्राफिक्स को देख के कभी भी अपनी मिक्सिंग मत करो, अपने कानों को सुनो। और यहाँ पे एक बार हम सुन लेते हैं मल्टीबैंड कंप्रेसर के साथ और विदाउट। 99, 10 December पैदा हुआ फैमिली में सन की सा मेंबर कम मिले जिंदगी में टाइम बोला मैंने, बिना मरना ने बिना करे शाइन तराशा हुआ डायमंड। तो आपने देखा यहाँ पे कंप्रेस कर रहा था वो, हल्का हल्का कंप्रेस कर रहा था, बिल्कुल बिल्कुल।
और यहाँ पे है हमारे पास लास्ट EQ है, जहाँ पे हमने मिड कट करा हुआ है और हाईज, और हाईज कट करे हुए हैं। भाई बताएंगे क्यों करा हुआ है हमने ये? मोस्टली जब हम कंप्रेसर्स लगाते हैं ना, जब वोकल्स पे या किसी भी चीज़ पे, तो वो सारी फ्रिक्वेंसीज को बूस्ट करता है। हमें सिर्फ ये देखना होता है कि एंड में हमारी सिर्फ वो फ्रिक्वेंसीज ना जाए ज़्यादा, जब हम मास्टरिंग के पॉइंट पे आते हैं। बिल्कुल, इसलिए सिर्फ मुझे लगा कि ये जो मिड पॉइंट है इसका, वहाँ पे मिड फ्रिक्वेंसीज इसकी थोड़ी सी ज़्यादा बूस्ट लग रही है मुझे, और हाइज भी ज़्यादा लग रही है, वोकल्स मैंने वो हटा दी। तो यहाँ पे एक ओवरऑल EQ भी लगा हुआ है जो कि सारी लो फ्रिक्वेंसीज को कट कर रहा है, ताकि जितने भी हमने इफेक्ट्स लगाए हैं, कहीं किसी ने बाई चांस कोई फ्रिक्वेंसी बूस्ट ना कर दी हो, लो फ्रिक्वेंसी कहीं मड ना आ गया हो, तो ओवरऑल हमने कट करा हुआ है अपनी लो फ्रिक्वेंसीज को, सेफ रहने के लिए सिर्फ, बिल्कुल सेफ। चलो हाँ, तो सुन लेते एक बार। December 1995 पैदा हुआ फैमिली में सन की सा मेंबर, कम मिले जिंदगी में टाइम, बोला मैंने भैया मरना नहीं बिना करे शाइन। तो जैसा कि आपने सुना, ये वोकल में बहुत फुलनेस आ रही है सारे इफेक्ट लगाने के बाद, तो ज्यादा ओवर भी नहीं करने होते हमें इफेक्ट्स, और नेचुरल रखना होता सारा। मेन पार्ट हमारा सिर्फ इतना रहना चाहिए कि अपने म्यूजिक के हिसाब से वोकल्स ना मिक्स हो जानी चाहिए। कभी कभार ऐसे होता है कि हमें इतने इफेक्ट्स लगाने ही नहीं पड़ते, और कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स लगाने पड़ते हैं बिल्कुल एक पर्टिकुलर इफेक्ट को अचीव करने के लिए। तो ये कभी कभी माइक पे भी डिपेंड करता है कि वो आपकी कितनी फ्रिक्वेंसीज रिकॉर्ड कर रहा है, कौन सी फ्रिक्वेंसीज, क्या पता आपको वो फ्रिक्वेंसी बूस्ट ही ना करनी पड़े जो आप अभी तक करते आ रहे थे दूसरे माइक के साथ। तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है हमारे पास कौन सा माइक है, इन्वायरमेंट कैसा है, इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। तो सब कुछ देख, पर इतना मत सोचना कभी भी अपने रिकॉर्डिंग करने से पहले, ये सारा बहुत ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ें हैं, वो तो नहीं है। आप काम कर रहे हो, नॉर्मल रैप सॉन्ग निकाल रहे हो, तो उसको निकालो, ये सब सोच के तो बिल्कुल मत रुकना। तो बाकी सारी वोकल्स पे भी हमारे सेम इफेक्ट्स लगे हुए हैं, बाकी मैं आपको एडलिप्स वगैरह जितने भी ये नीचे ये हैं सब पे सेम लगे हुए हैं, सारे सेम इफेक्ट हैं, तो मैं उसको ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं। बाकी ये हमारा कोरस है, कोरस पे भी सेम इफेक्ट लगे हुए हैं एक्चुअली हमारे, पर ये जो हमारी हमिंग है सुना देता हूँ, इन पे हमारा थोड़े चेंजेस हैं। हाँ, ये हमारी हमिंग है, यहाँ पे हमने एक स्टीरियो वाइडनर लगाया हुआ है ताकि वो थोड़ा वाइड साउंड करे हमारे, पूरा फैल जाए, और यहाँ पे रिवर्व ज़्यादा लगाया हुआ है, बाकी सारे इफेक्ट सेम है। डिले भी लगाया हुआ, डिले ज़्यादा लगाया हुआ यहाँ पे, बाकी किसी उसमें डिले नहीं था, थोड़ा कम था होगा तो। बस वही आपको देखना है कि आपको इफेक्ट कितना चाहिए और कहाँ यूज़ करना है, बस आपको यही देखना है और कुछ नहीं करना। बिल्कुल, और यहाँ पे हमारा रिवर्व है ज़्यादा, क्योंकि उसको फुलनेस आए, वो एक हमारा मेन पार्ट नहीं है हमारी सॉन्ग का, हमिंग जो है वो जस्ट एज एन इफेक्ट यूज़ करा हुआ है हमने, तो वो फुलनेस आए पूरा, मतलब एनवायरनमेंट हमें उसे एकदम अट्रैक्ट नहीं करना, उस पर हमारा ध्यान नहीं ज्यादा जाना चाहिए, फील में रहना चाहिए, वो बस फील लाने के लिए है, तो इसलिए हमने यहाँ पे उसको ब्लर करा हुआ है, साउंड को ब्लर करा हुआ है रिवर्ब लगा के। एक और चीज थी कि इतने सारे इफेक्ट्स लगाने के बाद उसमें ना मडीनेस बहुत आ गई थी, उसकी वजह से मेरे को वहाँ से कट करना पड़ा हमिंग वाले पार्ट। बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ पे हमने सुन लिया मिक्स कैसे करा इसको, अब हम चलते हैं मास्टरिंग की तरफ। तो मास्टरिंग पे सबसे पहले हमने यहाँ पे लगाया हुआ है एक मल्टीबैंड कंप्रेसर मैंने अभी आपको बताया क्या काम करता है, फ्रीक्वेंसीज को कंप्रेस करता है सेपरेट फ्रीक्वेंसीज को। तो यहाँ पे इन्होंने हाई पे लगाया हुआ है, हाई मिड पे लगाया हुआ है और लो पे लगाया हुआ है, तो सुन लेते हैं एक बार हम विद और विदाउट। जिंदगी में टाइम, बोला मैंने भैया मरना नहीं बिना करे शाइन, तराशा हुआ टाइम। आप सुन सकते हैं जब भी हमने ये हटा दिया जब इफेक्ट, तो उसमें बेस कितना बाउंस कर रहा था, बहुत ज्यादा बाउंस कर रहा था, डीबी बढ़ रही थी उसकी। बिल्कुल, तो वहां पे हमारा साउंड का जो लेवल बढ़ रहा था, पर हम वो साउंड अचीव नहीं कर पा रहे थे, तो हमें वो एक्स्ट्रा साउंड जो एक सेपरेट फ्रिक्वेंसी है, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है, उसकी वजह से हमारा साउंड नहीं बढ़ना चाहिए, ओवरऑल साउंड में हमारा गेन आना चाहिए, तो ये भी हमें देख के चलना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारे पास EQ है, EQ में से यहाँ हमने थोड़ा हाई मिड कट करा हुआ है। मास्टरिंग वाला प्रोसेस ना सारा वोकल्स और म्यूजिक दोनों का है, ये आप समझना कि सिर्फ वोकल्स का बोल रहे हैं, बिल्कुल सारा मास्टरिंग म्यूजिक का भी है। बिल्कुल, तो कुछ ऐड हो रहा है उसमें। मिले जिंदगी में टाइम, बोला मैंने भैया मरना नहीं बिना करे शाइन, तराशा हुआ डायमंड। एक और यहाँ पे हमने EQ लगाया हुआ है, जिसमें से थोड़ा स्लाइटली हाई कट करे हुए हैं, एक स्लोप बनाते हुए, यहाँ पे देखो आप मिड हाई से लेके हाई तक स्लोप बन के हाई फ्रिक्वेंसीज कट हो रही हैं। और यहाँ पे हमने TRS-1 यूज़ करा हुआ है, टी रैक्स का,
तो ये प्लगइन मैंने कभी यूज़ नहीं करा, ये भाई का फेवरेट प्लगइन है मास्टरिंग पे। मास्टरिंग के लिए हाँ। मेरा मास्टरिंग प्रोसेस थोड़ा अलग होता है, और और ये आपको भाई भी ऐसे ही करना है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन्स ट्राई करने हैं, बिल्कुल जिससे आपको अपनी साउंड अचीव करने में किसमें ज़्यादा आसानी हो रही है, किसका बिल्कुल। इंटरफेस सही लगता है। कई बार हमें साउंड अच्छी बहुत लगती है, वो आपको देखना है, ये खुद ही आपको करना तो इस पड़ेगा। प्लगइन के बारे में हमें भाई बताएंगे क्या क्या करा हुआ है और क्या है ये प्लगइन। मैंने कभी यूज़ नहीं करा एक्चुअली ये प्लगइन। मेन इसमें मुझे इसकी सिंपलिसिटी बहुत अच्छी लगती है कि एक जो इसमें चीज़ है ये पुश पुश, इसमें कंप्रेशन होता है, बिल्कुल ठीक है। कंप्रेशन दूसरा आपका उसमें दूसरी नॉब है बड़ी वाली, वो वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम है। के हो गई। अभी जो तीन छोटी फ्रिक्वेंसी ये वाली हैं, इसमें हाईज है, ये एयर एयर, ये हाई के लिए, ये मिड वाली के लिए, और ये है बेस बेस फ्रिक्वेंसीज के बेस लिए। फ्रीक्वेंसी के लिए और बेसिकली मिड बेस के लिए, हाँ, ये आप अपना, इनके पहले से ही प्रीसेट इतने अच्छे हैं तो ये ठीक आपको है। यूज़ करना ही नहीं यहाँ पे पड़ेगा। आपको लेवल पता चल जाएगा, ओवरऑल लेवल क्या चल कंप्रेशन रहा का, है। गेन का हिसाब इनको आपको पता चल जाएगा। इसमें ये विड्थ वाली आपकी जो पार्ट है, इसमें आपकी वही वाइडनेस वाला पॉइंट आ गया कि आपको एक एक मोनोसाउंड जैसा चाहिए या फिर आपको एक वाइडनेस चाहिए। मुझे थोड़ा सा वाइड चाहिए था इसलिए मैंने हल्का सा बढ़ा रखा है इसको। बाकी वो वॉल्यूम का, और ये बेस पंच, मतलब कि साउंड पूरा कंप्लीट सिग्नल उसका आने के बाद उसमें एक लो फ्रिक्वेंसीज के ऊपर बूस्ट मिलता है इसमें, वही है और एनालॉग एनालॉग, साउंड थोड़ा एक। ओल्ड स्कूल टाइप साउंड करवाता है हमारे पूरे गाने को। तो ये बस ओवरऑल हमारा मिक्सिंग मास्टरिंग थी, हम सुन लेते हैं विद और विदाउट मास्टरिंग। मिले जिंदगी में टाइम बोला मैंने भी, या मरना नहीं बिना करे शाइन, तराशा हुआ डायमंड, संगीत का चढ़ा नशा हुआ भंड, ये बंद बोलती या करूं मेरा काम। मैंने कहा आप चीज़ देखेंगे कि जब मिक्सिंग हो गई, मास्टरिंग हो गई, तो उसके बाद आपको देखने को मिलेगा वोकल्स ना बीच में सुनाई दे रही है, मतलब फ्रंट में आ रही है वोकल्स। वही आपको एक अचीव करना होता है मेन, मेरे को लगता है कि वो क्लियर सुननी चाहिए। आपको अपने पूरे गाने में चेक करना है कि आपका अट्रैक्शन पॉइंट क्या है, उसे सेंट्रलाइज करना है, बिल्कुल जो अट्रैक्ट कर रहा है पूरे गाने को, और जो बाकी है एज एन इफेक्ट है या फिलर्स हैं उनको थोड़ा स्टेरियो कर दो आप। बाकी सेंटर पॉइंट देखना, आपको सेंटर पॉइंट पे क्या रखना है। मेन पॉइंट आपको सिर्फ ये देखना सबसे पहले कि आपको अपने म्यूजिक में, वोकल्स में, या किसी भी चीज़, जो भी चीज़ आप अपने प्रोजेक्ट में डाल रहे हैं, उसमें से आप जो बेकार फ्रिक्वेंसीज हैं वो हमेशा क्लीन करो ही करो, बिल्कुल ताकि आगे जाके आपको दिक्कत ना हो उनको सब कुछ कंप्रेस करने के बाद, यार ये तो गलत हो गया, ऐसे नहीं करना चाहिए आपको। पहले ही वो चीज़ें ठीक करो। बिल्कुल बिल्कुल। गेन करने से ज़्यादा रिडक्शन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सो ये थी हमारी वीडियो, एक मिक्सिंग मास्टरिंग ट्यूटोरियल था ये हमारा पूरा मिक्सिंग मास्टरिंग के ऊपर, रैप सॉन्ग की। और ये गाना आप लोग भाई के चैनल पे जाके सुन सकते हैं, मैंने लिंक दे दिया नीचे डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पे जाके सब्सक्राइब करो इनके चैनल को, लाइक और कमेंट्स ज़रूर करना, और बताना गाने पे जाके बताना कि गाना कैसा लगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो बिल्कुल पसंद आ गई हो तो बिल्कुल, मेरे बाकी वीडियोस भी देखना और इनके भाई की वीडियोस भी देखना। और ये भाई म्यूज़िक प्रोड्यूसर है हमारे और मिक्सिंग मास्टरिंग भी करते हैं। सो दैट वाज द वीडियो गाइज, और समाप्ति। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग।